अच्छा अभी हमने स्टाइल शीट के बारे में देख लिया, अभी हम थे इंडेक्स पेज पे ना, जैसा खुला हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने पहले रजिस्टर करना है, बाद में साइन इन करना है ना। पहले रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये क्या खुल गया, कौन सा पेज खुला है, रजिस्टर डॉट पी एच पी वाला। ये देखिए ऊपर एड्रेस पे बार में नजर आ रहा है। तो इसका इसकी पहले डिजाइनिंग देखनी होना, तो डिजाइनिंग तो बिल्कुल वैसी होगा, क्योंकि ये देखिए ये हमने वही पब्लिक पे इंक्लूड कराया होगा, ये वही वाला फॉर्म है, बस ये दो ज्यादा कर दिया, बस बटन भी मूव किया, मतलब इसकी कोडिंग जो है डिजाइन की बिल्कुल वैसे होगी। अभी हमने ये पढ़ना है कि जब हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं तो बटन को प्रेस करते हैं फिर क्या होता है, ये कैसे जाएगा, जहाँ से चीजें पढ़ेगा, इसको कैसे जो है ना डाटाबेस के अंदर सेव करेगा, ये हमें ये पढ़ना है। तो पहले हम एक लिख लेते हैं कि करता क्या है, जहाँ पे हमने लिखना है मोबाइल नंबर, बस भले हमने एक नया बनाते हैं ना 0333, ठीक है, हम लिख देते हैं 417165, ये फर्जी मोबाइल लिख दिया। अभी हम एक नया यूजर बनाना चाह रहे हैं ना, इसका पासवर्ड अभी हम लिखते हैं हमारा जो है ना, हम लिखते हैं ऑनलाइन क्विज ऐप OQA, बस इतना छोटा लिख देते हैं। फिर उसके बाद फुल नेम फर्ज रहे, अभी हम लिख देते हैं नदीम लिख देते हैं, और राणा भी मिले, चलो इस तरह लिख देते हैं फर्ज रहे नदीम राणा लिख देते हैं। और ई मेल फर्ज करें हम फर्जी लिख देते हैं ना naadem@gmail.com, इस तरह ये चलो लिख दिया। अभी हम इसको रजिस्टर करते हैं ना, प्रेस करते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, ठीक है, हम इसको ओके प्रेस करते हैं तो ये यूजर जो है ना ऐड हो चुका है। अभी हम यही चीज़ें देखते हैं कि ये कैसे हुआ सारा प्रोसेस, ठीक है। तो चूंकि हम रजिस्टर पेज पे हम जा रहे हैं, हमने इसका रजिस्टर वाला कोड देखना है, ठीक है ना। तो अभी हम जाते हैं सप्लाई टेक्स्ट में, इसमें देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर जो है ना। तो ये देखेंगे इसको भी बंद कर लिया, इसको बंद कर लिया, ये लिखा हुआ है रजिस्टर पे, इसको प्रेस करते हैं तो ये वाला आ गया। ये वाला कोड जब हम बटन के प्रेस होने के बाद चलेगा, ठीक है, उसके बाद ये एक लाइन क्या कर रही है, ये कोई लाइन इंक्लूड कर रही है, तो वो उधर हेडर भी नजर आ रहा था। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ से लेकर डेव इसको कंटेंट से लगाया ताकि वो उस तरह का हो जाए, वो बड़ा सा गुलाबी सा डब्बा बन जाए। फॉर्म वही है, शार्क का मतलब है कि इसी पेज के ऊपर ये सबमिट होगा, मतलब कि इसी पेज के ऊपर सबमिट होगा फॉर्म, और पोस्ट की शक्ल में हम चीज़ें निकालेंगे पोस्ट के अंदर से। फिर आगे वही टेबल है, कैप्शन है उसकी, अभी ये चार कर दिया, मतलब पहले दो से भी चार कर दिए, बस हमने इसमें ये देखना है कि इसका नाम हमने रखा पहले का मोबाइल नंबर है नाम, दूसरे का जो है पासवर्ड है, तीसरे का नाम फुल नेम है, और चौथे का नाम ईमेल है, अच्छा, और बटन का नाम है रजिस्टर यूजर। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल वैसे जब बटन हम प्रेस करते हैं, ठीक है, जब बटन प्रेस करते हैं तो दोबारा इसी पेज पे इसी पेज दोबारा खुलेगा, मतलब दोबारा रिफ्रेश होगा। तो जब रिफ्रेश होगा तो अभी देखते हैं कि इस पे जाएंगे ना जब, तो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड वंस, जिस तरह हम कहते हैं इंक्लूड वंस, ये भी इंक्लूड वंस होता है, इसका मतलब होता है कि जरूरी चाहिए यहाँ, अगर इंक्लूड वंस जो है ना, ये अगर इधर ना भी होना तो गुजारा हो जाता है, मतलब अगर ये इंक्लूड वंस का मतलब है कि अगर ये पेज यहाँ पे ना भी पड़ा होना तो वो बैकग्राउंड को चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड नहीं चेंज होगा, अगर होगा तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, नहीं होगा तो एरर नहीं आएगा। लेकिन रिक्वायर्ड वंस का मतलब होता है कि ये लाजमी पेज होना चाहिए, तो जब ये रिक्वायर्ड वंस का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर मॉडल डॉट पी एच पी, रजिस्ट्रेशन मॉडल डॉट पी एच पी इसको इंक्लूड कराओ यहाँ पे। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है, रजिस्ट्रेशन मॉडल के अंदर इसको जब खोला तो ये सारे का सारा कोड जो है ना, ये सारे का सारा कोड ये लागू मुश्किल रहा, लेकिन है आसान है, ये सारे का सारा जो है ना, ये क्या होगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पढ़ेंगे ये सामने, ये नजर आएगा जब ये पूरा कॉपी होगी ना, ये पूरा कॉपी होगी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, इधर गया हम पढ़ रहे थे रजिस्टर पेज का, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो सारे का सारा पेस्ट हो जाएगा ये कोड। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये किया कि हमने चेक किया कि रजिस्टर बटन का नाम, रजिस्टर यूजर खाता ना बटन का नाम, हमने ये चेक किया कि पोस्ट के अंदर, ये देखिए ना हमने इधर लिखा था कि पोस्ट के शब्द में हम चीज़ें निकालेंगे,
हमने कहा पोस्ट के अंदर से रजिस्टर्ड यूजर बटन निकालो और उसको चेक करो कि इज सेट कि किसी ने प्रेस किया है या नहीं। जब प्रेस हो गया समझ लो किसी ने प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद हमने क्या किया कि क्लास का एक क्लास होगी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एक क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ किस नाम से, इस नाम से। ये भी क्लास कहाँ पे है, ये अभी जो हमने ये वाली कराई ना ये इसके अंदर है क्लास, मतलब के एक क्लास होगी रजिस्ट्रेशन के नाम से। अभी देखें कि कहाँ पे है क्लास, हमने ये रजिस्ट्रेशन मॉडल कराया था तो अभी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए जब हम क्लास के बनाते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं, पहले क्लास लिखते हैं फिर उसका नाम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है अभी देखेंगे और ये कहाँ तक एंड तक जाएगी। ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये देखिए वो लाइन नजर आ रही है, अंडरलाइन नजर आ रहा है ब्रैकेट, मतलब यहाँ तक क्लास है। जब हम क्लास लिखते हैं ना क्लास के अंदर कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, हम प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड होते हैं। तो ये क्लास जो है ये क्लास का नेम हो गया, ये क्लास का कीवर्ड हो गया, ये क्लास का नाम हो गया। अभी इस ब्रैकेट से लेकर वो नीचे तक बिल्कुल पेज के अंदर, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे प्रॉपर्टीज लिखेंगे और फंक्शन लिखेंगे, और ये उसके फंक्शन है। अभी एक फंक्शन ये है, ये फिर यहाँ तक, फिर दूसरा फंक्शन ये है, ये यहाँ तक है पहला फंक्शन, यहाँ तक जो है ना ये यहाँ तक फंक्शन है पहला, फिर दूसरा फंक्शन जो है, तीन चार फंक्शन होंगे इसके अंदर। दूसरा फंक्शन भी मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दो फंक्शन है इसके अंदर। ये अभी इनको दोनों को पढ़ेंगे, ये होंगे आसान लगते बड़े हैं। अच्छा इसमें नाम सिंपल रख रहे हैं, एक का नाम है रजिस्टर्ड यूजर, एक फंक्शन का नाम है रजिस्टर्ड यूजर, और दूसरे फंक्शन का नाम क्या है उसका नाम है साइन इन यूजर। अच्छा हमने जब भी एक क्लास का कोई फंक्शन कॉल करना होता है ना तो हम पहले क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट पर फंक्शन कॉल करते हैं ना। तो अभी देखेंगे हमने ये अभी हमने रजिस्टर में पढ़ रहे थे ना, तो अभी उनको पूरी क्लास को हमें फायदा क्या हुआ कि हमने पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, हमने रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, मतलब जो इस तरह लिखते हैं ना जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी ऑब्जेक्ट बन गया, अभी हमें इसका कौन सा मेथड कॉल करना है, इसका हमने मेथड कॉल करना है, हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन जो ऑब्जेक्ट बनाया ना उसका रजिस्टर यूजर वाला मेथड जो है ना वो कॉल करो, ठीक है। तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ, अभी रजिस्टर यूजर वाला मेथड कॉल होगा तो क्या होगा वो आप देखते हैं कि ज़्यादा कहने ये पहले किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये रजिस्ट्रेशन क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका अभी हम हाँ रजिस्ट्रेशन क्लास के अंदर रजिस्टर यूजर जो है फंक्शन वो जो उसको कहा था वो करते हैं। अभी देखते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर ये लिखा हुआ कि रजिस्टर करो यूजर, मतलब कि जो इसके फॉर्म के अंदर वैल्यू नहीं है इसको डेटाबेस में डालो। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, अभी हम जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन मॉडल सॉरी रजिस्ट्रेशन मॉडल क्लास के अंदर ये है रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। इसको हमने कहा कि सबसे पहले ये लिखा है रजिस्टर यूजर, ये वाला फंक्शन कर दिया था, अभी ये फंक्शन है यहाँ तक, ये एक फंक्शन की समझ आ गई ना, समझो कि आपको आधा प्रोजेक्ट समझ आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना इसको गौर से समझना, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिखा है कि पहले तो हमने जाहिर है कि हमने कहा कि पोस्ट के अंदर से जो हमने डाटा दिया था जाहिर निकाला भी है ना, ताकि कौन कौन सी यूजर ने चीजें दी उनको हमने ना एक यूजर की अरे में डाल दिया, मतलब कि हमने लिखा कि यूजर, मतलब कि यूजर की अरे का मोबाइल नंबर पे आप क्या करोगे पोस्ट के अंदर जो मोबाइल नंबर था ना वो निकाल के यूजर के मोबाइल नंबर के अंदर डाल, ये कर रहे हैं यूजर की ना उसके इंडेक्स बता रहे थे यूजर का, यूजर की अरे आपने उसका इंडेक्स का नाम है मोबाइल नंबर, उसके अंदर पोस्ट का मोबाइल नंबर निकाल के इधर डाल। फिर हमने कहा यूजर की अरे के अंदर पासवर्ड जो है इंडेक्स बनाओ और उसके अंदर पोस्ट के अंदर से पासवर्ड निकाल के इधर डाल। फिर यूजर की अरे के अंदर एक नया इंडेक्स बनाओ फुल नेम के नाम से और उसके अंदर पोस्ट के अंदर से जो फुल नेम हमने दिया था वो निकालो और इसमें डालो। फिर इसी तरह ईमेल के अंदर से जो निकाला था वो मेरा वो भी निकालो और इधर रखो ईमेल निकालो उसकी तरह। और फिर एक यूजर जो है ना उसके उसका एक रोल वाला इंडेक्स बनाओ और उसके अंदर खुद लिख दो, मतलब कि यूजर ये खुद हमने लिख दिया, मतलब कि अभी हम
हम यूजर हमारे पास है जिसके मोबाइल नंबर के उसके उसका मोबाइल नंबर आ गया होगा, पासवर्ड आ गया होगा, फुल नेम आ गया होगा, ईमेल किस तरह आ गया होगा। ये हमने निकालने का तरीका है, जो हमने फॉर्म सबमिट किया था उसमें से चीजें निकालने का तरीका। इसका रोल मतलब हमने कहा कि यूजर का उधर हमने रोल इंडेक्स है, रोल उसके अंदर हमने खुद लिख दिया, अपनी मर्जी से लिख दिया यूजर, तो ये तक चला गया यूजर। अभी ये पांच चीजें हमारे पास आ गई ना, अभी हमने इनको डाटाबेस में डालना है, ठीक है। तो जो जब भी कोई खतरनाक काम करना हो तो ट्राई कैसे ब्लॉक के अंदर करते ना, तो हमने यहां से लेकर यहां तक ये ट्राई ब्लॉक है। इसके अंदर खतरनाक काम करेंगे, अगर कोई एरर आ गई, अगर कोई एरर आ गई तो हम उसको करेंगे कैच करेंगे, एक दफा कैच करेंगे, फिर दूसरी दफा कैच करेंगे, दो दफा कैच करेंगे, अगर कोई एरर आई तो उसको हम शो कराएंगे। किस तरह हम उसको कहेंगे कि जो भी एरर आएगी ना उसको इस नाम से एरर पकड़ लेंगे, और उसको हम कहेंगे कि ये वो है स्क्रिप्ट, और ये स्क्रिप्ट ये वो होगा कुछ जो जावास्क्रिप्ट का नहीं हो जावास्क्रिप्ट से मैसेज नजर आता होगा, उसको आपने कहा कि अलर्ट आपने शो कराना है, और आपने जो एरर आई ना अभी ये ई जो है ना ये ई वाला जो इसका गेट मैसेज जो इसके अंदर मैसेज आ गया होगा ना, पता है डाटाबेस नहीं मिली या कॉलम गलत लिख दिया, वो सारा जो कोड है वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा अगर हमने यूजर का कोई चीज़ गलत डाल दी तो या मिस डाल दी। तो इसी तरह मतलब कोई भी एरर आएगा हम दो तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जो भी एरर का मैसेज होगा ये कोड हर दफा इस तरह आएगा, ये अभी हर दफा इसी तरह जाता है, यार ये समझो कि इतना कोड ऐसे गायब होगा। हमने सिर्फ ये वाला पढ़ना है ट्राई के अंदर कैसे डालते हैं यहाँ से। अच्छा अभी हमने सबसे पहले तो एक बनाया कनेक्शन, न्यू कनेक्शन मतलब कि हमने एक क्लास है कोई कनेक्शन के नाम से, उसका हमने बनाया है एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी हमने देखना है ये कनेक्शन कहाँ से आया, क्लास तो ये कहाँ से आती ना, तो क्लास ज़्यादातर इधर ऊपर लिखी होती है। ये देखिए हमने पहले जब हम इधर थे ना रजिस्टर पेज पे, तो हमने रजिस्ट्रेशन क्लास बनाई थी ना ऑब्जेक्ट, तो इसको ऐड करने के लिए हमने ये वाली लाइन डाली थी। तो इसी तरह अभी हमने जहाँ पर हमें जरूरत पड़ी है कनेक्शन बनाने की, तो ज़्यादा कनेक्शन की क्लास भी कहीं पड़ी होगी, तो वो हमने ये देखिए लिखा कि रिक्वायर वंस ये किस फोल्डर के अंदर, डी बी कनेक्शन फोल्डर के अंदर कनेक्शन डी बी कनेक्शन डॉट पी एच पी के नाम से बना। तो अभी हम जाते हैं डी बी कनेक्शन, ये भी हर दफा ये लाइन भी हर दफा मान ये डी बी कनेक्शन, ठीक है ये डी बी कनेक्शन पी एच पी फाइल, इसके अंदर डी बी कनेक्शन ये छोटी सी फाइल सिंपल एक क्लास है, ठीक है ना, सिंपल एक क्लास है कनेक्शन के नाम से, ठीक है। जब भी हम इस क्लास को इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके बाद हम इसका फंक्शन कॉल इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बना देंगे, हम इसका करेंगे गेट कनेक्शन, ये फंक्शन कॉल करेंगे इस क्लास का। जब भी हमें कोई कनेक्शन चाहिए होगा ना, कनेक्शन का मतलब जब भी हमें डाटाबेस से कोई काम करना पड़ेगा तो हम पहले कनेक्शन बनाएंगे, जब कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर उसका ये वाला मेथड कॉल करेंगे गेट कनेक्शन। तो ये हमें जवाब में क्या देगा, ये हमें रिटर्न करेगा न्यू पीडीओ पी एच पी डाटा ऑब्जेक्ट, ये हमने पहले भी उसमें बना था बड़ा सारा, इसमें लिखा हुआ कि डेटाबेस कौन सी से कनेक्शन कराना है, जहाँ पर लिखा माई सीक्वल की डेटाबेस होगी, होस्ट जो है वो कहाँ पड़ी है ना, वो लोकल होस्ट मतलब कि हमारे लोकल कंप्यूटर पे पड़ी है, फिर डेटाबेस का नाम क्या है वो हमने कोई एप्लीकेशन डीबी रखा था, डेटाबेस का पासवर्ड क्या था, यूजर नेम का रूट था और पासवर्ड कुछ भी नहीं था। तो यहाँ तक जो है ना हमने बता दिया कि इस तरह का कनेक्शन हमें चाहिए इस डेटाबेस तरह, और उसकी टाइप क्या हो, टाइप क्या होगी अरे ये डी पी ओ एट्रीब्यूट मॉड, मतलब कि इस सारी का मतलब ये होता है कि जब हम कनेक्शन बनाएंगे ना तो कनेक्शन ये देखें हम पकड़ रहे हैं ना, ये है ना एट्रीब्यूट हमने इसका रख दिया एरर मोड एक्सेप्शन, मतलब कि जब हम इस डेटाबेस पे कोई काम करते हैं ना तो अगर कोई गलती आती है तो ये देखिए हम एक्सेप्शन पकड़ रहे हैं ना, वो गलती हमें ऑटोमेटिकली इधर दे देगा, सॉरी हम यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर ये देखेंगे एरर आ रहा ना, अगर हम उधर कनेक्शन की तरह हम कनेक्शन पे काम करते हैं ना, जब हम डाटा सेव करते हैं तो कनेक्शन पे काम करते हैं, तो अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इधर हमें एरर का पता चल जाएगा क्या है, अगर हम इसकी हमने इसको कर दिया कि अभी हम जहाँ से जहाँ तक भी रख सकते हैं, अगर ये ना गिरे ना कनेक्शन फिर भी बन जाएगा, लेकिन हमें एरर नहीं पता चलने,
डाटा किस वजह से नहीं एंटर हुआ, डाटा गलत था, जब कॉलम गलत था, टेबल गलत था, हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि ये जो है ना एरर भी हमें देगा, एक्सेप्शन भी देगा, तो रिटर्न करने का मतलब कि हम जब भी कनेक्शन की जरूरत होगी हम कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का और उसका ये मेथड पास करेंगे। तो अभी देखिए हम यहाँ की जरूरत पड़ी है इसकी, जब हमने डाटा सेव करना था ना डाटा बेस, और जहाँ कि मैंने कनेक्शन की जरूरत पड़ी है हमने इसको बाहर के ऑब्जेक्ट बनाया है, कौन क्या हमने कहा न्यू कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। अभी हम ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट का हमने इसको कनेक्शन वापस लेना ना, तो हमने कॉमन ऑब्जेक्ट का गेट कनेक्शन मेथड निकाला और ये वापस डीबी कनेक्शन फिर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया वेरिएबल है। नहीं, ये डीबी कनेक्शन जो है ना जो हमें कनेक्शन वापस मिला हुआ ये कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट का जब हमने मेथड कॉल किया गेट, तो ये हमें क्या करेगा, ये दिखा है यहाँ पे, ये हमें वापस क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये और इसके अंदर ये सारी खूबियां होंगी, मतलब ये कनेक्शन होगा ऑब्जेक्ट टाइप का, ऑब्जेक्ट की शक्ल में कनेक्शन होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये डेटाबेस कनेक्शन, मतलब कि ये एक कनेक्शन है डेटाबेस का ऑब्जेक्ट की शक्ल में। अभी हमें इसको इस्तेमाल कर लेना है कि आपने डाटा डालना है क्या है क्या करना है, फिर हमने अभी जब हमने डाटा डाला है ना उसके लिए क्या होता है इंसर्ट की भी, तो हमने लिखा है कि इंसर्ट इनटू यूजर्स, कि यूजर्स के टेबल में डालना है हमने, फिर क्या डालना है ये ना इंसर्ट भी हम उसको ऐड कर रहे हैं, पहले हमने इसको ये वाली इंसर्ट की उसके अंदर डॉट इक्वल का मतलब करके पहले ये वाली हम एक लाइन में लिख सकते थे, ये वाली ये चारों लाइनें ना पूरी में भी लिख सकते थे, लेकिन हमने तोड़ के लिखी था और ये लिखे ऐड कर दें, इस तरह लिखा ना प्लस इज इक्वल टू प्लस, मतलब पहले ये असाइन करो इंसर्ट क्यूरी को, पहले ये वाली वैल्यू असाइन करो, फिर उसके बाद उसमें ये वाली असाइन करो, फिर ये वाली असाइन करो, मतलब पूरी लाइन बना हुई है। इंसर्ट क्यूरी में हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू यूजर, के यूजर के टेबल में हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है और किन किन कॉलम्स के अंदर ऐड करनी है, मोबाइल नंबर के ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है, फुल नेम ऐड करना है, ईमेल के कॉलम में लिखना है, रोल नंबर ये कॉलमों के नाम लिखे, फिर आगे लिखा वैल्यूज ये कौन सी वैल्यू डालनी है, तो फिर हमने यहाँ पे ये सेमी कॉलम से लिख दिया कि हम पहले आपको एक वेरिएबल दिया जाएगा मोबाइल नंबर के नाम से, आपने वो इधर डाल देना है, फिर आपने पासवर्ड के नाम से एक वेरिएबल दिया जाएगा वो डाल देना है, फिर आपको एक फुल नेम के नाम से एक वेरिएबल दिया जाएगा वो इधर डाल देना है, और एक ईमेल दी जाएगी, एक रोल दिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट बन गई अभी इंसर्ट क्यूरी बन गई। फिर हमने क्या किया, हमने कहा डेटाबेस कनेक्शन, ये वाला जो दिया था ना डेटाबेस कनेक्शन, इसको कहा कि प्रिपेयर कर दो, मतलब एक स्टेटमेंट तैयार कर दो, कौन सी ये वाली जो लिखी ना ये इंसर्ट क्यूरी, ये जब हम इसको देखें ना यहाँ पे, मतलब कि हमने कनेक्शन को कहा कि इस स्टेटमेंट को भी तैयार कर दो, तैयार करने से बना दिया कि ये सारा कुछ देना अपने अंदर फिट कर दो, मतलब ये जो कनेक्शन हो गया ना डेटाबेस का कनेक्शन डीबी कनेक्शन, इसको हमने कहा कि प्रिपेयर करो, इसको ये वाली क्यूरी दे दी है, ये पूरी क्यूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एक क्या करेगा कि एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दे देगा, मतलब कि हमारे पास ना इस तरह की ना एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आ जाएगी, यहाँ पे ना अभी पहले तो हमें जब भी हमें मतलब कि जब डाटा डालना है हमें पहले जो है क्या करना पड़ेगा कि कलेक्शन जो है ना कनेक्शन कराना पड़ेगा, तो हमने पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास का, अभी हमें कनेक्शन नहीं मिला सिर्फ ऑब्जेक्ट मिला है उस क्लास का, अभी उस ऑब्जेक्ट पर हमने मेथड कॉल किया गेट कनेक्शन का, और इस ये फंक्शन है मेथड है ये हमें रिटर्न करेगा कनेक्शन, तो जितने कहीं जो है ना ये कनेक्शन वापस आ गया। अच्छा अभी जब फिर ये ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट का हमने जब ये बना मेथड कॉल किया ना, तो अभी ये जो डीबी कनेक्शन है ना ये हमारे पास एक कनेक्शन आ गया, मतलब डेटाबेस का कनेक्शन आ गया, अभी हमें इसको मजीद मालूम बतानी होगी आपने करना क्या है इस कनेक्शन ये इसमें जो भी वैल्यू होगी वो इसमें सेव हो जाएगी। हाँ मतलब ये जो वापस करेगा ना ये वाली जो है ना ये वाला पूरा, मतलब कि अभी ये कनेक्शन है इसके अंदर उसको पता है कि मेरे अंदर MySQL की डेटाबेस होगी, इसको कंप्यूटर पे पड़ी होगी, डेटाबेस का नाम क्या होगा और पासवर्ड क्या है, और कनेक्शन मुझे भी पता है कि मैं मुझे जब गलती आई तो मैंने एरर क्या देनी है, मतलब कि ये सारा कुछ जो है ना ये सारी मालूम अभी इस लाइन के अंदर आ गई है। ये
इस लाइन के अंदर आ गई, ठीक हो इसके। अच्छा इसको अभी कनेक्शन है ना, अभी इसको ये आपने एक स्ट्रिंग तैयार किया, इसको बताया नहीं, ये सिर्फ स्ट्रिंग बनाई है, मतलब पूरी हमने क्यूरी लिख दी कि हमने करना क्या है, लेकिन अभी खाली जगह छोड़ी है यहाँ पे, लेकिन कॉलम के साथ हमने खाली जगह छोड़ी है, डाटा नहीं बताया आपको, डाटा नहीं बताया। अच्छा अभी ये जो कनेक्शन पड़ गया था ना, ये वाला कनेक्शन, इसको कहा कि आप प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर कर लो, ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट जो है ना पढ़ाई थी पूरी, ये प्रिपेयर कर दो, और जो जवाब में ये क्या करेगा कनेक्शन जो है ना, मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दे देगा, प्रिपेयर्ड से अभी वेरिएबल है, हाँ ये भी वेरिएबल है, हाँ बिल्कुल ये भी अभी वेरिएबल है, इसके अंदर भी क्या आ गया है, इसको पता चल गया है कि मैंने ये वाली स्टेटमेंट है पूरी, मैंने ये स्टेटमेंट अभी प्रिपेयर्ड की हुई है, ठीक है, इसको पता चलेगा कि मैंने काम ये करना है, अभी खाली जगह फिल करने वाली रहनी है, और कनेक्शन भी इसको बता दिया, इस कनेक्शन ने तैयार करके दी है, अभी इसको पता है कि मैंने इंसर्ट करना है प्रिपेयर्ड, अभी ये तैयार हो चुकी है, ठीक है तैयार हो चुकी है, और उसको पता है कि मैंने इस कनेक्शन, ये कनेक्शन मेरा, मैंने इस डेटाबेस पर जाना, और काम मैंने ये करना है, लेकिन अभी खाली जगह फिल करने वाली रहती है ना, तो फिर हमने इसको क्या किया कि प्रिपेयर्ड क्यूरी जो है ये वाली, ये तैयार हो चुकी है, इसको हमने कहा कि एग्जीक्यूट, मतलब जो आपको कहा है कर दो, लेकिन अभी खाली जगह भी फिल करनी है ना, तो खाली जगह हमने कहा था कि आपको ये देखें, ये यूजर बनाया है, ये यूजर की एक अरे बनाई थी ना, ये यूजर की एक अरे बनाई थी, इस अरे को पता है कि एक इसका एक इंडेक्स है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, दूसरा तीसरा फुल नेम है, चौथा ईमेल है, पांचवा रोल है, इधर देखिए हमने वही जगह खाली छोड़ी है, कि हमने कहा कि पहले मोबाइल नंबर, पासवर्ड, फुल नेम, ईमेल, रोल, तो ये यूजर की अरे जो है ना, ये वाली ये इसको दे दी, अभी इसके अंदर पहली सारी वैल्यू जो इसके अंदर फिट हो जाएंगी, वो सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगे, ये पूरी होगी। अच्छा ये जो जब ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो हमने कहा कि एग्जीक्यूट हो जाओगे इन वैल्यू के साथ, ठीक है, मैंने तैयार किया था उसको कि जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, तो अगर तो सक्सेसफुली डाटा डाल गया तो जी हमें वापसी पे वन देगी, और अगर नहीं होगी तो फिर तो हो सकता है जीरो दे या फिर नंबर दे, तो वो हमने जो वन दिया या कुछ और दिया वो हमने रिजल्ट में डाल दिया। अभी हमें ये करना है कि अगर तो रिजल्ट में वन आया तो इसका मतलब कि यूजर डाल चुका है सही तरीके से, फिर हमें वो कह देना सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेसफुली आ गया ना, तो अभी हमने किया कि इफ रिजल्ट इज इक्वल टू वन, तो फिर क्या करो कि इको करो, वो स्क्रिप्ट करो, अलर्ट करो कि यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो वो आ रहा था इस तरह, तो आखिर पे जो डाटा बेस वो जो कनेक्शन बना था उसको नल कर दो, उसको खत्म कर दो, मतलब ताकि डाटा बेस का कनेक्शन काम कर दो, क्योंकि डाटा बेस में काम कर लिया ना तभी कनेक्शन बंद कर देना चाहिए, तो ये डाटा बेस का कनेक्शन बंद कर, तो ये पूरा जहाँ फंक्शन पूरा समझ आ गया। ये अभी कितनी दफा हुआ आपकी, मेरा ख्याल 25-30 दफा ये तो सारा ऑक्सीजन बनेगी, लेकिन अब इसी के साथ खेलेंगे सर, तो ये भी इसकी समझ आ गई होगी काफ़ी आपको जी। तो अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने ये पढ़ लिया कि यूजर रजिस्टर कैसे करें, तो अभी देखें यहाँ पे कैसे पढ़ता, पहले हमें फॉर्म में फिल किया, फॉर्म प्रेस किया, ठीक है, फॉर्म प्रेस करने के बाद ये पेज दोबारा लोड होगा, हमने चेक किया कि चेक करो कि बटन जो है ये प्रेस हो चुका कि नहीं हुआ, बटन प्रेस हुआ, फिर हमने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये वाला इस ऑब्जेक्ट का हमने रजिस्टर यूजर मैथड कॉल किया, तो रजिस्टर यूजर जो है ना मैथड ये वाला था, तो इसको हमने बताया गया कि आपने पहले सारी वैल्यू निकालनी है और एक यूजर में डाल देनी है, आगे क्या करना है कि कनेक्शन चाहिए हमें एक इस क्लास कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना, उस ऑब्जेक्ट का गेट कनेक्शन मैथड जब कॉल किया तो वो कनेक्शन आ जाएगा हमारे पास, फिर एक क्यूरी बनाई, पूरी बनाई उसको क्या कहा कि डाटा बेस का जो कनेक्शन ये वाला है उसको कहा कि आप प्रिपेयर कर दो ये वाली क्यूरी, तो ये तैयार क्यूरी आप उसको तैयार जो हुई थी क्यूरी उसको हमने कहा चलो ठीक है आपको जो कहा कर दो, और ये प्रिपेयर के बगैर डायरेक्ट एग्जीक्यूट प्रिपेयर के बगैर कर सकते हैं, फिर उसके अंदर फिर ये वैल्यू उसी में बता देंगे, ये वैल्यू जो है ना इधर फिल करके बाद इधर ये फिल कर मतलब कि डाल सकती हैं, इसके तीन चार तरीके होते हैं, हम वही करते जो मतलब हमें अच्छा लगे, अगर डायरेक्ट भी करनी होती ना फिर ये वैल्यू फिर इधर ही देनी पड़ती है, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता वो इधर ही इधर देनी पड़ेगी, अगर प्रिपेयर फिलहाल तो हमारे पास यूजर की जरूरत में वैल्यू हाँ हाँ वो अभी दी है ना इसको, मतलब इसके कई तरीके होते हैं एक काम को करने के ना, वो जिस तरह का होगा फिर वही स्टेप जाता है, और फिर रिजल्ट वन है ये काम करेगा अगर सक्सेसफुली होगा वन आएगा वर्ण नहीं वही हमें चेक कर लिया होगा मैसेज, तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, इसको हम कर लेते हैं सेव।